पिछले कई दिनों तो सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रही है। बलविंदर सिंह जो कि डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर का रहने वाला है, सऊदी अरब किसी केस चुनू जी जुर्माना होया हो 2 करोड़ का, सो वो इकट्ठा करने उन्होंने फैमिली ने मैं कॉन्टैक्ट किया। मैं उन्होंने ये गल कही थी कि 2 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि मेरे को होर भी बड़े केस ने और तुसी जिन्ने पैसे इकट्ठे कर सकते हो अपने पैसे इकट्ठे करो, जो कोई होर हैल्प करना चाहता करे। जिहड़ा शॉर्टफॉल होएगा मैं उदों देखांगा, तो जिन्ने पैसे मेरे मैं पा सकदांगा मैं पावांगा। सो अज उन्होंने ब्रदर नाल भी गल हुई है। सो उन्होंने कहने के मुताबिक उन्होंने को 1,45,00,000 रुपया जिहड़ा कि लोगों ने दिता है वो इकट्ठा हो चुका है। उन्होंने अपरूवल ले ली हुई इंडिया गवर्नमेंट तो वो पैसा सऊदी अरब भेजण का। सो सऊदी अरब जिहड़ा बैंक है उत्थे पैसे जमा होने ने। जिस कंपनी च काम करता सी उत्थों दे कोई रवाब है जां उन्होंने प्रोमिस किया कि 40,00,000 रुपया वो देणगे। सो अगर असी कैलकुलेट करिए तो 1,45,00,000 तो 40,00,000 हो गया। सो 1,85,00,000 रुपया बन जाता है। सो 15,00,000 का शॉर्टफॉल रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं अपने वालों अज 20,00,000 रुपया जरा देने का वादा किया कि 20,00,000 रुपया ये जरा शॉर्टफॉल है वो मैं पूरा कराँगा, ता जो ये लड़का जिनी जल्दी हो सके रिहा हो के अपने फैमिली विच पहुँच सके। पिछले कई दिनों तो सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रही है। बलविंदर सिंह जो कि डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर का रहने वाला है, सऊदी अरब किसी केस चुनू जी जुर्माना होया हो 2 करोड़ का, सो वो इकट्ठा करने उन्होंने फैमिली ने मैं कॉन्टैक्ट किया। मैं उन्होंने ये गल कही थी कि 2 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि मेरे को होर भी बड़े केस ने और तुसी जिन्ने पैसे इकट्ठे कर सकते हो अपने पैसे इकट्ठे करो, जो कोई होर हैल्प करना चाहता करे। जिहड़ा शॉर्टफॉल होएगा मैं उदों देखांगा, तो जिन्ने पैसे मेरे मैं पा सकदांगा मैं पावांगा। सो अज उन्होंने ब्रदर नाल भी गल हुई है। सो उन्होंने कहने के मुताबिक उन्होंने को 1,45,00,000 रुपया जिहड़ा कि लोगों ने दिता है वो इकट्ठा हो चुका है। उन्होंने अपरूवल ले ली हुई इंडिया गवर्नमेंट तो वो पैसा सऊदी अरब भेजण का। सो सऊदी अरब जिहड़ा बैंक है उत्थे पैसे जमा होने ने। जिस कंपनी च काम करता सी उत्थों दे कोई रवाब है जां उन्होंने प्रोमिस किया कि 40,00,000 रुपया वो देणगे। सो अगर असी कैलकुलेट करिए तो 1,45,00,000 तो 40,00,000 हो गया। सो 1,85,00,000 रुपया बन जाता है। सो 15,00,000 का शॉर्टफॉल रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं अपने वालों अज 20,00,000 रुपया जरा देने का वादा किया कि 20,00,000 रुपया ये जरा शॉर्टफॉल है वो मैं पूरा कराँगा, ता जो ये लड़का जिनी जल्दी हो सके रिहा हो के अपने फैमिली विच पहुँच सके। साडे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पंज पाणी टीवी दे नाल जरूर जुड़ो, ताकि साडे द्वारा पाईआं गईआं वीडियो तुहाडे तक सब तो पहलां पहुँच सकन।